हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे आप चैप्टर नंबर सेकंड क्लास एट का। तो क्लास एट में जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसका चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस चैप्टर का नाम इस टाइप से क्यों मेंशन हुआ है वो हमें पता लगाना है, और इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलने वाला है और किस टाइप के हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सब चीज़ें हम यहीं डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है चैप्टर की। तो एक्सरसाइज से पहले हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो कराते हैं, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए आपकी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में भी उसी के टाइप के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो आप सोल्यूशन बड़ी इजीली से कर लेते हो। तो देख लेते हैं हमारा इसमें चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम ही पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोला मैंने? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो लीनियर का ही मतलब पता होना चाहिए। अब ये इक्वेशन क्या है, लीनियर क्या है, सब आपको हम कंफर्म कराएंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने सपोज लिखा आपके लिए एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपने कहा क्लास सिक्स में पढ़ गया है, जब हमारा एलजेब्रा चैप्टर था। तो उसमें कैसा था हमारा, जैसे कि हमने लिख दिया था एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन क्या है, यहाँ ये एक्सप्रेशन है। अब इसको एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं, एक्सप्रेशन हमारा ओनली वन भी हो सकता है, वन प्लस टू भी हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। बट हमारा जब एलजेब्रिक इस्तेमाल होता है, इक्वेशन इस्तेमाल वेरिएबल इंक्लूडेड हो गया, तो हमारा उसके साथ x, y, z या a, b, c, d या p, q, r, m, s ये सब अल्फाबेट इंक्लूड कर लेते हैं एक आधा एक। तो देख लेते हैं हमारा, जब मैंने इसको लिखा x प्लस वन, तो अभी ये सिर्फ हमारी एक्सप्रेशन हुई। एक्सप्रेशन क्यों हुई, ताकि हमारा इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है। जिस एक्सप्रेशन में हमारा इक्वल टू का सिंबल इंक्लूडेड हो जाएगा, वो हमारी बन जाएगी इक्वेशन। जैसे कि मैंने यहां भी लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने यहां, टू भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं। अब आपकी इच्छा है, टू एक्स लिख दो, तुम्हारी चॉइस है। बट आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिख रहे हो, तो देखो क्या ध्यान रखना है। बेसिक फॉर्म तो ये रही इसकी, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसकी बेसिक फॉर्म क्या है, देखो बेसिक फॉर्म क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसकी बेसिक फॉर्म है, मींस ए और बी क्या है, यहां ए एंड बी ये नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर या इंटीजर ले लो चाहे डेसिमल ले लो, ये हमारे ए और बी रियल नंबर तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, नंबर्स ले लो, नंबर्स हो सकते हैं, प्लस हो माइनस हो चाहे डेसिमल हो, कोई से भी नंबर्स हो, ये नंबर्स हो सकते हैं। और ए कभी हमारा, ए नॉट इक्वल टू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए हमने जीरो ले लिया तो हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कभी क्रिएट नहीं हो सकती। इस केस में देखो, जैसे कि हमने ए हमने वन ले लिया और बी हमने माइनस टू ले लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्लस माइनस टू, तो आंसर क्या आ गया, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। देखो बेसिक फॉर्म में हो चुकी है। तो कहने का मतलब क्या जा रहा है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल चैप्टर का मतलब, जिसमें हमारा वन वेरिएबल हो, वेरिएबल आना चाहिए जरूरी। और लीनियर का मतलब देखो, वेरिएबल से तो आप समझ गए, एक्स वाई जेड इनमें से कोई ना कोई अल्फाबेट इंक्लूडेड होगा हमारे नंबरों के साथ। तो अब आता है हमारा लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, जो हमारे वेरिएबल है, अब वेरिएबल से ही समझना है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाइएस्ट पावर हमेशा ओनली वन होनी चाहिए, मीन्स वेरिएबल की पावर हमारी वन होनी चाहिए हमेशा, तो तभी हमारा लीनियर वर्ड डलेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमने बहुत सी लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, 2x plus 3 is equals to 0, 2x plus 4 minus x, इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो जब सॉल्व होगी तो इधर आके प्लस हो जाएगा, वो तो बात की बात है, बेसिक फॉर्म में बना देंगे। 6x plus 7x plus इसको प्लस हमारा 10 ले सकते हैं, अब ये भी हमारी बेसिक फॉर्म में बन जाएगी। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस 2 ये कभी हमारी लीनियर इक्वेशन में नहीं जाएगी, वो क्यों, ताकि इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन में नहीं जाएगी। अब देखो और 6x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अब देखो हमारी ये भी नहीं जाएगी लीनियर इक्वेशन में, वो क्यों, मैंने क्या बोला था अभी आपको, वेरिएबल जो सिर्फ एक इस्तेमाल होना चाहिए हमारी इक्वेशन में, वेरिएबल हमारा दो आ गए, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, तो ये भी हम नहीं होगी। अरे
इक्वेशन का मतलब जैसे कि मैंने समझाया, अगर एक्सप्रेशन में हमने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया तो हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर का मेंशन करने का, जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम मेंशन क्यों है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें टॉपिक क्या क्या मिलते हैं हमें। टॉपिक मिलते हैं हमें सॉल्व, मतलब सॉल्व कैसे करते हैं हम। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं हम, सॉल्व कैसे करते हैं और फॉर्मिंग कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को, आप देखो एक दो क्वेश्चन आपको करा देते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग कुछ भी आ सकता है, जैसे कि कह रहा हूं मैं, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये आ चुका है 2x+3 = -6x+3, इस टाइप से हमारा आ गया। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व कहने का मतलब वेरिएबल को बस हमने एक्साइट करना है, वेरिएबल को हमने जैसे तैसे एक्साइट करना है। तो जब वेरिएबल हमें दिख रहे हैं इसमें, तो हिट एंड ट्रायल, जब हमारे पास एक तरफ, ओनली एक तरफ 6x+2 = 3 हो, इस टाइप से। अब देखो इसको और इसको सॉल्व करने में क्या डिफरेंस है, इसमें तो डायरेक्ट हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और इसमें हमें एक स्टेप, मतलब वेरिएबल को सेपरेट करने का स्टेप। तो मीन्स क्या लिख सकता हूं मैं, देखो दोनों साइड, बोथ साइड में क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट टू कर दूंगा मैं, ताकि मुझे वेरिएबल का आंसर लाना, सबट्रैक्ट टू। तो जब करूंगा मैं 2x+2 - 2 करना है इसमें से, और 3 - 2 दोनों साइड करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया 6x, तो 6x = हमारा कितना हो गया 1, तो x बराबर हमारा 1/6 हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये है, अब चाहे जैसे भी लगा सकते हो, जैसे कि ये भी आ गया हमारा 1/6x+2। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, पहले 2 को हटाएंगे, फिर नीचे से 6 को हटाएंगे। अब पहले क्या लिख देंगे हम, सबट्रैक्ट 2 लिख देंगे लाइन, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। जब मल्टीप्लाई 6 कर देंगे दोनों साइड, जैसे कि कुछ भी नंबर चला जाए, वो अलग बात है कैसे करते हैं, क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगे कई टाइप्स के क्वेश्चन। ये जब हमारा मल्टीप्लाई हो, जैसे कि हमारे पास एक तो प्रॉब्लम ये होगी, एक प्रॉब्लम आएगी हमारे पास इस टाइप की, 6x - 2 = 3। अब देखो इस केस में क्या करना है, हमने एडिशन बोथ साइड करना पड़ेगा, तो बोथ साइड जब ऐड करेंगे, लाइन लिख देंगे हम बोथ साइड ऐड, किसको, 2 को हटाना है हमने, बोथ साइड ऐड 2, बोथ साइड ऐड 2, तो बोथ साइड लिखना साइड, तो 6x - 2 + 2 = 3 + 2, तो क्या हो गया, देखो ये तो कैंसिल आउट, 6x = 5 और x बराबर हमारा 5/6। अब देखो इसको भी ना हम ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया था, अब हमें तो स्टेप से मतलब था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x वेरिएबल को हमने सिंगल छोड़ना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड 6, तो जब बोथ साइड डिवाइड होगा 6 से, तो 6 से देखो क्या होगा, 6x/6 = 1/6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो x बराबर हमारा 1/6, इस टाइप से प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। अब कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, जैसे कि हमारा x/2 चलेगा कभी ना कभी, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे और उस साइड भी करेंगे जो भी हमारे बोथ साइड में आएगा। तो इस टाइप से हमारा वेरिएबल को हम कैसे सेपरेट करते हैं और आंसर हमारे सामने होता है। तो ये सॉल्व करने के तरीके हैं, स्टेप लिखने के, तो ये ना करके कभी कभी आएंगे आपके पास ये करने के लिए, अगर चैप्टर में वो क्वेश्चन में मेंशन है सेपरेट द वेरिएबल, तो हमने स्टेप लिखने पड़ेंगे सारे के सारे, कौन कौन से हम स्टेप अपना रहे हैं। और जब हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, हिट एंड ट्रायल देखना, मैं इरेज कर दूंगा, चाहे वीडियो को पॉज करके आप नोट करो इसको। देखो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, जितने भी हमारे वेरिएबल है, अब देखो इस फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, 6x+2 = 3 था हमारा, जब हमारा सॉल्व करना है ओनली, कुछ नहीं मेंशन है, तो बस हमने क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ सॉल्व करो और विदाउट वेरिएबल को एक तरफ, वेरिएबल वाला तो एक ही है, तो ये वाला उस साइड चला जाएगा, जब प्लस वाला हो जाता है हमारा माइनस में, जब इक्वल टू के नेक्स्ट साइड जाता है, अगर ये माइनस होता तो प्लस होता, जैसे कि माइनस होता तो ये प्लस होता, फिलहाल तो ये प्लस था तो माइनस हुआ, तो x बराबर हमारा, जैसे कि आपको ये पता है, 1/6 आ रहा था आंसर पीछे,
अब देखो अभी इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम आपके लिए, तो 6x बराबर हमारा क्या आ रहा था 1। अब देखो अब जो चीज वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होती है जब इक्वल टू के उस साइड जाएगी वो डिवाइड हो जाती है, तो x बराबर 1 अपॉन 6। अब देखो अगर ये 6x ऐसे होता है हमारा, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 चल रहा होता, तो जो चीज डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है 1 मल्टीप्लाई 6, तो x बराबर हमारा 6 हो जाता है। इस टाइप से ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में गया, तो इस टाइप से हमने सॉल्व करना है हिट एंड ट्रायल मेथड मेथड वो एक तरीके से स्टेप कुछ नहीं लिखना। अब जब वेरिएबल दोनों साइड हो और नंबर्स भी दोनों साइड हो, जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा था स्टार्टिंग में, सॉल्व करने के तरीके देख रहे हैं हम। फिलहाल हम एक दो आपको इक्वेशन बना के भी दिखाएंगे। अब देखो 2x प्लस 3, अब एक तरफ करेंगे 2x प्लस 6x, जैसे कि मैंने कहा इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस बोस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, तो हमारा 3 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8x इज इक्वल टू 0, जैसे कि आपको पता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 अपॉन 8, तो x बराबर हमारा 0। इस टाइप से आंसर होना है इसका हमारा। और देखो अब हम आ जाते हैं इसकी फॉर्मिंग पे, फॉर्मिंग में क्या करेंगे हम, कैसे करते हैं हम इक्वेशन को फॉर्म। अब फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ इसको लेते हैं, ये हमने लिखा है, अब देखो इसको हम थ्योरेटिकल कैसे लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया 5, अब मैं क्या सोचूंगा इसको लिखना कैसे, तो क्या हो रहा है हमारा, देखो हम हमारा जो भी नंबर आ रहा है इसको कैसे लिखेंगे, अब मैं क्या बोलूंगा 2x को मैं कैसे बोलूंगा ट्वाइस ऑफ नंबर, तो ये नंबर तो ये x जो है एक नंबर तो ही आ रहा है आंसर नीचे जाके, तो ट्वाइस ऑफ नंबर, तो जैसे कि ट्वाइस ऑफ नंबर लिख सकते हैं, ट्वाइस का मतलब दो गुना, ट्वाइस ऑफ नंबर मोर देन मोर थ्री गेट द फाइव, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इसका मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ नंबर क्या है, एक्स लेट करेंगे, लेट द नंबर एक्स, और मोर थ्री, थ्री भी है उसमें, ज्यादा थ्री हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है उसको ट्वाइस ऑफ नंबर मोर थ्री से, फाइव, तो हमने लिख दिया इस टाइप से। अब जैसे कि एक दो लाइन और लिख सकते हैं हम, जैसे कि हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 2, तो नंबर मोर देन नंबर एट द 5 इक्वल टू कैसे भी लिख सकते हैं, वो थ्योरी में हमें देखने को मिल जाएगा। देखो एक दो पढ़ के सुना देता हूं मैं बुक से आपके लिए, तो सम ऑफ टू नंबर लिखेंगे हम, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक दो पढ़ के, बहुत सारे ये जो हमारा फॉर्मिंग करेंगे, फॉर्मिंग वैसे हम डायरेक्ट हम उसमें भी देख सकते हैं अपने फाइनल, जो भी हमारी एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा वहाँ से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन होगा, मतलब फॉर्म कैसे करते हैं इक्वेशन को, जो भी लिखा होगा हम उसको एलजेब्रिक में कैसे कन्वर्ट करें मैथमेटिकल में, तो वही काम करना है हमने फॉर्मिंग में। और इंट्रोडक्शन में तो हमारा इतना ही रहने वाला है, बाकी इससे खास कुछ आने वाला नहीं है, जैसे कि हमने सॉल्व करना है इक्वेशन को, दो मेथड बताएं, सेपरेट द वेरिएबल एंड हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब डायरेक्ट वेरिएबल को सॉल्व करना, एक तरफ रीअरेंज करके करना, और सेपरेट द वेरिएबल का मतलब है हमारा स्टेप भी फॉलो करना, स्टेप भी लिखते जाना है हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये दो मेथड है आपके पास सॉल्व द इक्वेशन के, और बाकी जो हमारा फॉर्मिंग इक्वेशन है वो भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन एक दो। फिलहाल तो आप सॉल्व द इक्वेशन सीखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे हमें। इस वीडियो में हम आपके लिए इतना ही रखेंगे, इंट्रोडक्शन इतना ही शॉर्ट रखेंगे, बाकी हमारा जो चैप्टर है चैप्टर में दो ही एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा हमारा सॉल्व भी है उसमें, बाकी दो या तीन क्वेश्चन है हमारे इक्वेशन को फॉर्मिंग के, वो हम वहाँ देख लेंगे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप इस जो भी हमने आपको समझाया उसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, बाकी हम उसके बाद अपनी एक्सरसाइज पाएंगे 2.1 पे। धन्यवाद।